आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज मैं बैंगन का कलौंजी बनाने जा रही हूँ। तरह तरह के आप बैंगन के सब्जी खाए होंगे, मगर मैं आज जो बना रही हूँ वो एकदम डिफरेंट तरह से मैं बता रही हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से बैंगन है और बैंगन को कटिंग करके मैं इस तरह से फ्रेश करके और इस तरह से आपको कटिंग करना है। उसके बाद आपको नमक डालना है, हल्दी पाउडर डालना है, मिर्ची पाउडर डालना है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाली हूँ और थोड़ा सा मैं हल्का सा चौरठ डाली हूँ। सबको इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके आप 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें सरसों तेल डाली हूँ और बैंगन को मैं इस तरह से सबको डालना है आपको। सबको इस तरह से बैंगन को डालकर आप इसको 5 मिनट तक फ्राई कीजिए। सारे बैंगन देखिए अच्छे से एकदम फ्राई हो गई है, सबको फ्राई हो गई है। अब इसको आपको निकाल लेना है और उसी तेल में हींग डाली हूँ। हींग डालना है, ये लौंग, दालचीनी और खड़ा इलायची सब मैं डाली हूँ। 2 बड़ा प्याज काटी हूँ वो भी डाल रही हूँ। हाँ, प्याज और तेजपत्ता सबको फ्राई कर ली हूँ 5 मिनट। उसके बाद आलू भी 2-3 आलू काट कर छील कर साफ कर कर मैं वो भी इसमें डालकर फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से आपको 5 मिनट तक फ्राई करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए और ये मिर्ची पाउडर है, धनिया जीरा और गरम मसाला का पाउडर है, हल्दी पाउडर, नमक है, सब मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी भी डाल देना है ताकि मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। टमाटर 1 डाल रही हूँ और देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गई है। जो बैंगन फ्राई करके मैं रखी थी वो भी आपको मसाले के साथ मिक्स करना है इस तरह से। और आलू मसाले को भी आप 5 मिनट तक इसी तरह स्लो आंच में आप फ्राई कीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम डिफरेंस आपको ये सब्जी नज़र आएगी। ये गरम मसाला प्याज पर बनी हुई है, अधिकतर बैंगन का सब्जी आप देखे होंगे लहसुन टमाटर ये सब पर, मगर मैं आज गरम मसाला पर ये बनाई हो। आप प्लेन रोटी के साथ ये डिश बनकर तैयार हो गई है। प्लेन रोटी पराठा आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चावल दाल।